हेलो एवरीवन दिस इज़ ए लेसन यू सी चैप्टर नंबर थ्री ऑफ इंग्लिश टाइम बुक्स इंग्लिश टाइम बुक क्लास थ्री एन इनोसेंट गर्ल इसका मतलब होता है कि इनोसेंट का मतलब होता है मासूम इनका मतलब तो ये आर्टिकल है तो आप देख सकते हो कि एक मासूम लड़की ये पार्ट का नाम है सो दैट्स वाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन काव्या वाज ए हम्बल गर्ल जो काव्या थी तो कैसी लड़की थी हम्बल थी बड़ी विनम्र थी मतलब बहुत अच्छी लड़की थी वो सी गेव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल वो सभी से क्या करती सबको यानी रिस्पेक्ट करती थी मतलब एंड uh, सबसे प्रेम भी करती थी और सबकी रिस्पेक्ट भी करती थी सी हैड नो डिफरेंस फॉर डार्क एंड फेयर और उसके पर प्रति ऐसा कोई उसको ऐसा नहीं था कि क्या नाम है कौन यानी उसके लिए अच्छा है कौन बुरा है उसके लिए सब बराबर थे रिच एंड पुअर उसके लिए कौन यानी कौन यानी कि अमीर है कौन गरीब है उसके सामने क्या थे सब इक्वल थे एवरीवन लव्ड लब्ड और सभी लोग काव्या से क्या करते थे प्रेम करते थे काव्या ट्रीटेड एवरीवन इक्वल जो कव्या थी जो काव्या के नाम की जो लड़की थी तो सबको ट्रीट करती थी मतलब सबसे वो अच्छा व्यवहार करती थी यानी सबसे इक्वल करती थी बराबर बट सी कू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बैड एंड गुड और वो नहीं कर पाती थी कि मतलब कि आ, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पर कर पाती थी कि क्या यानी उसके लिए क्या बुरा है और क्या यानी खराब है सो मैनी सो मैनी टाइम्स सी वुड गेट फूल सो मैनी कई यानी कई बार क्या हो जाती थी वो यानी मूर्ख बन जाती थी वंस हर मदर टोल्ड हर टू गिव स्वीट्स एंड क्लॉथ टू हर आंट्स हाउस एक बार उसकी मम्मी ने क्या किया उस उससे कहा कि क्या करो में यानी उसको यानी कि मिठाइयाँ दी और और क्या दिए क्लोथ दिए और कहा कि हर आंट्स हाउस और क्या करना उसको यानी कि उसके चाची घर पर उसके क्या करके आना दे के आना बट सी गेव आल टू देंजर होम सीमेट ऑन द वे और सब उसने क्या सी सीघ्यो माने दे दिया आल मैंने पूरा स्टेंजर्स माने जो अजनबी मिले थे हुम हु माने जिससे सीमेट ऑन द वे रास्ते पर मिली तो उसी को उसने दे दिया था नो अबाउट दिस टू नो का मतलब जान करके अबाउट दिस के, के यानी इसके सब ये जो हुआ था इसके बारे में जान करके के मदर अ लोस्ट हर पैसेंस जब ऐसा उसने सुना कि जो क्लोथ्स थे और स्वीट्स में मिठाइयाँ दी हैं तो इसने अजनबी को दिया था तो ये सब क्या कह उसने अपना पैसेंस खो दिया उसने अपना धैर्य खो दिया एंड सी स्कॉलडेड काव्या फॉर इट और इसकोड का मतलब डाटा काव्या काव्या को उसने फॉर इट जो सब ऐसा उसने किया था काव्या वेंट इन टू हर ग्रांडमा ग्रांड माज रूम जो काव्या जो थी नाम की जो लड़की थी तो कहाँ पर चिक गई थी ग्रांड मदर जो नानी होती है उसके आ, दा जो ग्रांड मा का मतलब क्या होता है नानी ग्रांड मदर का मतलब दादी भी होता है तो उसके रूम पर गई थी एंड सी आस्क्ड और उसे सी आस्कड मतलब काब्या ने क्या किया पूछा हाई मदर इज सो अनोयड विद मी मतलब वो पूछती है कि क्यों मेरी जो माता मत, जी हैं तो मेरे से क्या है अनोयड अनोयड का मतलब होता है क्यों मेरे से इतना नाराज़ है क्यों इतना दुखी क्यों है ऐसा उसने पूछा किससे ग्रांड आई do नॉट मीन टू हार्ट हर मेरा ऐसा कोई ऐसा कोई मेरा मतलब नहीं था uh, मीन का मतलब मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था हार्ट का मतलब चोट पहुंचाना हर माने उसको मेरी मम्मी को येट सी इज वेरी एंग्री विथ मी फिर भी मेरे से क्या है कि बहुत हुआ यानी कि uh, uh, नाराज है. ग्रैंड मास्ट सैड यानी ग्रैंड मदर ने कहा दादी ने मतलब कहा ए गुड एंड स्मार्ट पर्सन शुड नो वेन टू हियर एंड वेन टू स्पीक एंड वाट टू डू वो बोलती है कि एक जो गुण ये अन स्मार्ट जो व्यक्ति होता है उसको यानी पता होना चाहिए कब उसको सुनना है और कब उसको बोलना है और उसको कब क्या करना है ये सब उसको पता होना चाहिए जो अच्छा व्यक्ति होता है इफ़ यू फॉलो दीज क्वालिटी अगर तुम ये ये गुणों को तुम क्या करती हो अगर फॉलो यानी पालन करोगी ये करती हो यूल अगर तुम इसको सबको ये क्या करोगी तुम इफ़ यू फॉलो दीज क्वालिटी अगर तुम इन गुणों को क्या करोगी फॉलो करोगी यू विल नेवर फेस एनी एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ ऐसी समस्या तुम कभी भी अपने जीवन में नहीं यानी क्या करोगी फॉलो uh, नहीं कर पाओ मतलब कि फेस नहीं करोगी काव्यास आइज ट्विंकल्ड विथ टू गोट द मैसेज फ्रॉम हर ग्रांडमा जो काव्या की जो आंखें थी तो ट्विंकल का मतलब एकदम खुल गई मतलब कि ये गोट द मैसेज फ्रॉम ग्रांडमा जैसा ये मैसेज उन्होंने ग्रांडमा जो दादी माँ ने दिया था तो उसको देख करके उसकी आँखें जो है तो खुल गई मतलब फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से सी स्पोक ओनली वेन रिक्वायर्ड एंड केप्ड डिस्टेंस फ्रॉम स्टेंजर्स फ्रॉम देट डे का मतलब होता है उस दिन से सी स्पोक ओनली वेन रिक्वायर्ड वो तभी बोलती थी जब क्या होता जब जरूरत पड़ती थी एंड केप्ड डिस्टेंस और केप्ड माने केप्ट डिस्टेंस का मतलब होता दूरी बना रखती थी फ्रॉम स्टेंजर्स माने जो अजनबी होते थे तो उनसे दूरी बना कर रखी थी रखती थी सो दिस वॉज ए लेसन दैट वी कम्प्लीटेड i hope i may, you may have learned th something uh, from this lesson so thanks a lot thank you so much